हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो तकरीबन आज से 2 महीने पहले गाइस ऑल एक्सट्रीम ने टर्बो राइडिंग जैकेट अपनी लॉन्च करी थी, जो कि आज के टाइम पे अमेजोन पे बेस्ट सेलर चल रही है। और तकरीबन आज से 3-3.5 हफ्ते पहले करीब मैंने उसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो बना के डाला था, जो कि ऑल एक्सट्रीम को अच्छा लगा और उन्होंने अपनी जो सेकेंड राइडिंग जैकेट के लॉन्च के टाइम मेरे को रिव्यू के लिए दी है, रिव्यू वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल सकूँ। तो मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो 2 पार्ट्स में रहने वाला है। एक तो इसका रिव्यू करेंगे स्पीडो को, ये वाला मॉडल जो है ये स्पीडो है, इसका रिव्यू करेंगे हम। इसको कंपेयर करेंगे टर्बो ऑल एक्सट्रीम का जो दूसरा राइडिंग जैकेट वाला मॉडल है उससे कंपेयर करेंगे। और दूसरा जो पार्ट रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा जो आप लोगों ने और सब्सक्राइबर्स ने मेरे सवाल पूछे हैं उस जैकेट से रिलेटेड, उनका मैं जवाब दूंगा सेकेंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट अभी इस वीडियो का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो स्पीडो वर्जन है टर्बो के मुकाबले अगर मैं आपको बताऊं तो एक छोटा सा डाउनग्रेड है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे यहाँ एल्बो पे इधर के एरिया में या फिर बैक में जो रिफ्लेक्टर्स का साइज है वो थोड़ा छोटा है। बट अगर मैं आपको इसके कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन इसका वही है, 600D पॉलिएस्टर। पूरा जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो 600D पॉलिएस्टर है, जो कि अब्रेजन रेजिस्टेंस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। बाकी मैं ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगा इस वीडियो में, क्योंकि टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो सारी मैंने आपको टर्बो के जो रिव्यू वीडियो था उसमें सब कुछ बता दिया था। तो इसमें सब कुछ इतना समझाने की मुझे लगता नहीं ज़रूरत है। तो इसमें आपको जो रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे, ये रिफ्लेक्टिव है, ये रिफ्लेक्टिव है, ये वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिव है और पीछे पूरी की पूरी आपको स्ट्रिप रिफ्लेक्टिव देखने को मिलेगी। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा हिल गया है तो उसे मैं ठीक कर लेता हूँ। तो ठीक कर लिया। तो जिन लोगों को बहुत सटल डिज़ाइन पसंद है, ज़्यादा शोबाजी पसंद नहीं है या फिर ज़्यादा भड़कीले कलर्स वगैरह पसंद नहीं है, जैसे कि टर्बो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा पैच अलग कलर का है, ये वाला पैच यहाँ पे अलग कलर है, यहाँ पे अलग कलर है। तो ज़्यादा शोबाजी जिन लोगों को नहीं पसंद है, आपको सटल बस राइडिंग जैकेट चाहिए अपना सेफ्टी के लिए, तो ये वाली जैकेट आप कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप इसके अलावा इसके फीचर्स की मैं बात करूं तो टर्बो से रिलेटेड जितने भी फीचर्स थे सारे के सारे फीचर्स इसके अंदर भी सेम ही हैं। आपको यहाँ पे गर्थ एडजस्टर मिलेगा, उसके बाद 2-स्टेप एडजस्टेबिलिटी मिलेगी यहाँ पे आपको, उसके बाद आपको कॉलर पे नियोपोरिन सॉफ्ट मटेरियल मिलेगा जिससे कि आपके गर्दन वगैरह पे रैशेज ना आए। थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया, इसको ठीक कर लेता हूँ मैं पहले। उसके बाद आपको इसमें 2 पॉकेट्स मिलेंगी जो कि वाटरप्रूफ मटेरियल से बनी हुई हैं। इसमें भी आपको YKK जिपर मिलेंगे, और इसमें भी आपको जो प्रोटेक्टर्स हैं वो ट्रिपल लेयर EVA प्रोटेक्टर्स मिलेंगे। अब ये तो हो गया इसका एक तरीके से छोटा सा एक रिव्यू हो गया, क्योंकि अगर मैं बताऊं टर्बो और इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। प्राइस का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा जो कि आपको अमेजोन पे देखने को मिलेगा। टर्बो का अराउंड 4,000-4,200 रुपये के आसपास प्राइस रहता है, उससे आप 100-200-300 रुपये के आसपास कम मान सकते हो इसका प्राइस। बाकी जिन लोगों को बिल्कुल सटल डिज़ाइन पसंद है तो वो ये डिज़ाइन की तरफ जा सकते हैं। मेरे को थोड़ा सटल डिज़ाइन पसंद है, मैं कोशिश करूँगा ऑल एक्सट्रीम में अगर मेरी किसी से बात हो पाई तो मेरी टर्बो को वो स्वैप करके ये अगर मुझे दे पाएँ तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, मुझे ज़्यादा शोबाजी का इतना शौक़ नहीं है। तो इसके बाद मैं आता हूँ अपने जो वीडियो का सेकंड पार्ट है उसके ऊपर, सवाल जो पूछे हैं लोगों ने उनसे उनके ऊपर आता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई पैडी भाई ने पूछा है, इज़ इट गुड फॉर हाईवे राइड्स, सेफ इनफ? तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि यार हाईवे राइड्स के लिए अगर आप मानते हो तो जैकेट आप यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप हाईवेज के लिए, वैसे तो ये सिटी के लिए डिज़ाइन की हुई है, सिटी की गर्मी के लिए डिज़ाइन की हुई है, तभी इसका वज़न ओनली 1 kg है। तो हाईवेज के लिए अगर आपको इसको यूज़ करना है, जैकेट अच्छी है, जैकेट आप हाईवेज पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपको इसके जो पैडिंग्स हैं, जो प्रोटेक्टर्स हैं, अगर आप उनको चेंज कर लें, लेवल 2 के आर्मर्स अगर आप लगा लें इसके अंदर तो ज़्यादा बेटर रहेगा हाईवेज वगैरह के लिए। बट मेरे हिसाब से सिटी यूज़ के लिए बेस्ट है, आपको बिना किसी चेंजेस के अगर यूज़ करनी है, आप लेवल 2 के प्रोटेक्टर्स नहीं खरीदना चाहते, जैकेट ही खरीदना चाहते हो खाली, तो इन प्रोटेक्टर्स के साथ आप सिटी में इजीली यूज़ कर सकते हो, इसे कोई इतना इशू नहीं है। क्योंकि क्या है कि इस जैकेट का जो डिज़ाइन किया गया था वो गर्मी के लिए किया गया था बेसिकली, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हाईवे के लिए अलग से कुछ डिज़ाइन डाला गया हो, नहीं, सिर्फ सिटी कम्यूट्स के लिए, आपको डेली ऑफिस से घर जाना है, घर से ऑफिस जाना है, या फिर सिटी में ही आप छोटी मोटी वीकेंड राइड्स वगैरह करते हैं तो उसके लिए आपको बेस्ट है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट ये रहेगी आपके गर्मियों के सीज़न में,
क्योंकि वेट मैंने आपको उसका भी बताया था, इसका भी सेम वेट है, 1 किलो, 1 किलो 50 ग्राम। तो गर्मियों के लिए ये जैकेट बेस्ट है। बाकी हाईवे अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप हाईवे पे, मैं आपको फिर भी प्रेफर करूँगा कि अगर आप इसके प्रोटेक्टर्स वगैरह चेंज कर लें, लेवल 2 के प्रोटेक्टर्स डाल के इसको हाईवे पे लें तो ठीक है, तो अच्छा है। बट स्ट्रेट अवे इसको हाईवे पे यूज़ करना इतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। बाकी इसके बाद आते हैं भाई, तो ट्रैवल माई इंडिया ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई मुझे एम साइज़ ठीक होगा क्या, और चेस्ट प्रोटेक्टर के लिए पॉकेट अवेलेबल है क्या इस जैकेट में। तो भाई सबसे पहली चीज़, चेस्ट प्रोटेक्टर्स के लिए इसमें पॉकेट्स अवेलेबल नहीं है, और एम साइज़ आपको सूट करेगा या नहीं करेगा वो आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपने इसमें अपना साइज़ तो बताया नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। बट इसका साइज़ अराउंड, आप मान के चलो ये मैंने एम साइज़ ही पहनी हुई है, 38 चेस्ट से 39-40 चेस्ट तक के लिए अच्छा रहेगा ये, उससे ऊपर शायद ही आप इसमें फिट हो पाए। 36 से आप 39 मान लो, हाँ 36 से 39 मैं ट्राई करके देख रहा था कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो भाई सी के पी असील ने पूछा है, भाई साइज क्या है जो आपने पहना है। तो भाई मैंने उस राइडिंग जैकेट का भी एम साइज पहना हुआ था और इस राइडिंग जैकेट का भी एम साइज पहना हुआ है। तो वरुण रेड्डी ने पूछा है, ब्रो हाउ इज दिस जैकेट, इज इट गुड। तो वरुण भाई जैकेट अच्छी है सिटी कम्यूट्स के लिए और गर्मियों के लिए तो बेस्ट है। अगर आप किसी ट्रॉपिकल रीजन वाली जगह पे रहते हैं, जैसे अगर आप रेड्डी आपके नाम से पता लग रहा है, आप शायद साउथ की साइड रहते हैं, तो वहाँ पे तो पूरे साल ही ऑलमोस्ट गर्मियाँ रहती हैं, गर्मियों का सीज़न रहता है, तो वहाँ के लिए तो ये बेस्ट है। बाकी सिटी कम्यूट्स के लिए मैं फिर जोर दे के इसी बात को बोलूँगा कि सिटी कम्यूट्स के लिए जैकेट बहुत अच्छी है। अगर आप हाईवे यूज़ करना चाहते हैं तो फिर भी एक बार को आप सोचिएगा कि यूज़ करें या ना करें। अगर आप प्रोटेक्टर्स चेंज कर लेते हैं, लेवल 2 प्रोटेक्टर्स डाल देते हैं, तो फिर तो बेस्ट है, आप इसको भी यूज़ करो आराम से सिटी में, ओ हाईवे पे सॉरी। सुब्रो रॉय ने पूछा है, आर द प्रोटेक्टर्स रिमूवेबल। यस भाई, आप सारे रिमूवेबल प्रोटेक्टर्स हैं इसके अंदर, सारे के सारे आप रिमूव कर सकते हो इजीली। जब भी आपको जैकेट धोने की ज़रूरत पड़ती है तब बेसिकली आपको प्रोटेक्टर्स रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा जो, या फिर अगर आप जैकेट को पैक करके अपने साथ कहीं लेके जा रहे हो तो क्या होता है कि जैकेट छोटे फॉर्म फैक्टर में आपको पैक करना हो तो आप इनको आराम से निकाल के, जैकेट इतनी सी हो जाएगी यार आपके बैग में इजीली आ जाएगी, फिर इनको अपने बैग में साइड में लगा सकते हैं आप। और इसके बाद आता हूँ भाई मैं, ट्रैवल माई इंडिया का फिर से कमेंट है कि भाई प्राइस कितना है। भाई प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस इसका फ्लक्चुएट होता रहता है। अभी थोड़े टाइम पहले जो सेल चल रही थी उसमें अराउंड 3400 के आसपास मैंने प्राइस देखा था इसका, और अभी जो करंटली प्राइस चल रहा है वो अराउंड 42, इसका नहीं मैं टर्बो की बात कर रहा हूँ, इसका उससे थोड़ा कम ही होगा। तो टर्बो का जो प्राइस था वो अराउंड 4200 के आसपास मैंने भी देखा था कल परसों में, जब ये जैकेट मेरे पास आई थी कल तब देखा था। तो और अगर मैं बात करूँ 15 अगस्त आने वाला है उसकी सेल के बारे में, कल ही है वैसे, तो उसकी सेल को अगर मैं ध्यान में रखूँ तो अराउंड फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको ये फिर से वही 3400 3500 के आसपास देखने को मिल जाएगी। सेल में अगर आप खरीदते हो तो बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि उस प्राइस रेंज में आपको इतनी लाइट वेट इतनी अच्छी जैकेट मिलना मुश्किल है। और ये वाली की अगर मैं बात करूँ, इतनी सटल जैकेट, कोई ज़्यादा शोबाजी नहीं, पूरा आपको 680 पॉलिएस्टर का मटेरियल मिलने वाला है, पूरा सेफ साथ में सटल डिज़ाइन। तो आई होप मैंने आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। अगर आपके और भी रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, लद्दाख से रिलेटेड हो, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है लोग जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, या फिर बाइक से रिलेटेड कोई भी जनरल मेंटेनेंस वाले क्वेश्चंस हो, इंजन को छोड़ के मैं इंजन का खुद काम नहीं करता हूँ, इंजन का मैं सर्विस सेंटर में कराता हूँ, जनरल जो भी आया छोटी मोटी चीज़ें मैं खुद कर लेता हूँ, तो उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो आप मुझे डायरेक्ट या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हैं आप। मेरे यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस हैं थोड़े जनरल आपका मेंटेनेंस के लिए, तो उनको देख के भी आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। बाकी यहीं तक था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो शायद मेरा कोई ब्लॉग होने वाला है, गोवा का मैंने ब्लॉग डाला नहीं है काफ़ी टाइम से, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एडिट कर लूँ, लैपटॉप खराब हो गया था इसलिए कुछ नहीं डाला। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।